के शेर होते हैं। एक शेर होता है जंगल का, एक शेर होता है सर्कस का। सर्कस का शेर और जंगल का शेर, दोनों में बढ़िया शेर कौन होता है? जोर से, जंगल का। सर्कस का शेर बढ़िया क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मालिक के टुकड़ों पर पलता है। मालिक क्या करता है जंगल सर्कस के शेर को, समय पर वो टुकड़े मांस के फेंकता रहता, जबकि सर्कस जंगल के शेर को खुद योजना बनानी पड़ती है, स्वयं शिकार ढूंढना पड़ता है, स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, जबकि सर्कस के शेर को कोई योजना नहीं बनानी पड़ती। वहां तो बना बनाया मांस मिल गया, अपना खाया, सोया, काम किया। जो माँ बाप अपने बेटों को बहुत सारी संपत्ति प्रॉपर्टी दे के जाते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा सर्कस का शेर बने? चाहते हैं आप? और कितने माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जंगल का शेर बने बेटा? उठाओ हाथ। कौन सा शेर बनाओगे? जंगल का। सर्कस का ना बना देना। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो मां बाप के टुकड़ों पर ना पले, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने, कामयाब हो जाओ अपनी मेहनत के बल पर। मां बाप सहयोगी रहेंगे सदा आपके। क्या कह रहे हैं आप? सही है? बच्चों को तैयार करो, बेटा नौकरी करना है ये मत सिखाना, नौकर मत बनाना। बच्चों को नौकर मत बनाओ। नौकरी करने, नौकरी लेने वाला बड़ा कि नौकरी देने वाला, बोलो? तो आप लोग क्या करते हैं? महाराज जी नौकरी मिल जाती बेटे को, ये आशीर्वाद दो नौकर। लो आशीर्वाद भी मांग रहे हैं तो नौकर का मांग रहे हैं कि नौकर बनाओ। अरे आशीर्वाद ही मांग रहे हो तो बढ़िया मांगो कि नौकरी देने वाला बने महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा नौकरी देने वाला बने महाराज, नौकरी लग जाए बेटे के लिए। आप लोगों को मांगना भी तो नहीं आता, मांग ही रहे हो तो बढ़िया मांगो। नौकरी लेना ना पड़े, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाया लिखाया और नौकर बना दिया, मैं तो संतुष्ट नहीं हूं इस पढ़ाई से। जो तुम्हें नौकर बनाए उस पढ़ाई से मैं संतुष्ट नहीं। यदि मालिक हो, मैं टाटा बिड़ला अडानी अंबानी से, जो जिनके यहां लाखों लोग काम करते हैं, मैं उनसे संतुष्ट इसलिए हूं कि वो भी तुम्हारी तरह नौकरी करते तो लाखों लोगों को वो रोजगार ना दे पाते, तुम्हारी तरह सोच उनकी होती तो। इसलिए जितना खून उनके पास है, जितना बुद्धि उनके पास है, लगभग उतनी सबके पास है। बस कोई अपने समय का, बुद्धि का दुरुपयोग करता है, कोई सदुपयोग करता है। करो सदुपयोग, बनो बुद्धिमान, और नौकरी लेने वालों की भीड़ में ना खड़े हो जाना, नौकरियां देने वाले बनो।